वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। जुड़ जाइए हमारे साथ, हम तो जुड़ चुके हैं आपके साथ, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ना इसलिए है क्योंकि आपने देखा इस एडी केमिकल पॉइंट पे जो पंप की सीरीज चल रही है, न है तो आपको बता दें कि पंप की सीरीज चल रही है और पंप की सीरीज में हमने पंप पढ़ा, पंप के टाइप्स पढ़ा, बेसिकली काफ़ी डीप डिस्कस किया हमने पंप क्या होता है, पंप के टाइप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनिक पंप जो अभी चल रहा है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमने दोनों टाइप के पंप पढ़े, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ा पूरा हमने अच्छे से पढ़ा और रोटरी पंप पढ़ा। अभी जो कहानी चल रही है उसकी जो हमने आपको बता दें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की कहानी जो चली पूरी ब्रीफली चली और साथ ही साथ हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो अगर आपको नीड है, अगर आपको उसकी जानकारी लेनी है तो आप जा सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप हमारे इस चैनल पे अभी नए हो, पुराने जो है वो जानते हैं। तो अभी जो सीरीज में जो पिछली वीडियो हमारी पड़ी थी उस पर क्या थी कहानी, कैविटेशन की। क्या कहानी थी? कैविटेशन की। हमने देखा कैविटेशन क्या होता है और कैविटेशन के बारे में काफ़ी लंबी डिस्कस की। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, आज जो ये टॉपिक चलने वाली है, आज जो ये टॉपिक चलने वाली है हमारी, वो है NPSH। क्या है? NPSH। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट कैविटेशन का नहीं क्लियर है तो आप उसको एक बार देखिए, वहाँ से आपका डाउट क्लियर करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट कैविटेशन का क्लियर है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं NPSH के रिगार्डिंग, अगर आपको NPSH का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, एक बार आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कैविटेशन। अगर आपके दिमाग में जब कैविटेशन आता है तो अक्सर लोगों को, यानी कि हम ये कहें कि 80-85% लोगों के दिमाग में जैसे ही कैविटेशन आता है तो पंप का फिगर उनके दिमाग में घूमने लगता है। ठीक है, घूमना भी चाहिए, मैं उनकी बातों से समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपसे कैविटेशन पूछा जाता है तो अगर आपके दिमाग में पंप घूम रहा है इसका मतलब आप कैविटेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए हो। कहीं ना कहीं आपका पंप कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन कैविटेशन क्लियर नहीं है। बात समझ रहे हो? कैविटेशन केवल पंप में देखने को मिले ये जरूरी नहीं, पहली बात। इसलिए मैं बोला कैविटेशन आए तो केवल पंप दिमाग में नहीं घूमना चाहिए, कैविटेशन का कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कैविटेशन केवल पंप में देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आप वहाँ फंस सकते हैं। तो बात समझिए, वही बात मैं आज क्लियर करने वाला हूँ साथ ही साथ इस NPSH के साथ, कि अगर कैविटेशन पूछा जाए इसका मतलब ये नहीं केवल पंप में देखने को मिलता है। कैविटेशन हमें हर उस जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे एरिया का ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे मतलब एरिया मतलब किसी सिस्टम में या किसी पाइप में सडनली डाया कम हो जाना, इसका एरिया कम हो जाना, फिर आगे चल के एरिया बढ़ जाना। अब वो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पहला आपका वेंचुरी मीटर, कुछ ऐसा फिगर होता है उसका, ध्यान दीजिए अगर फिगर कुछ गलत हो, क्योंकि ईडी हमारी शुरू से ही कमजोर रही। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आप जानते होंगे इंजीनियरिंग ईडी क्या होती है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है फिगर जो भी हो, ठीक है, ये वेंचुरी का होता है। अगर हम एक वाल की बात करें, नॉर्मल वाल की बात करें, उसमें हम सपोज करें कि ये कोई प्लग वाल ऐसे रहता है ना, ऐसे ही रहता है ना ये, ठीक है, ये अभी क्लोज सिस्टम में है। लेकिन अगर यही ओपन सिस्टम में करें तो ये अगर मान लो अपना एरिया खोलता है, सब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एरिया खोलता है मतलब ये इतना, मतलब ये इसका एरिया कम हुआ। अब ये जो फ्लूड यहाँ 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 आ रहे थे उनका एरिया कम हुआ, और सडनली एरिया कम होने से क्या होता है, एरिया कम करेंगे, यहाँ पे एरिया कम करेंगे तो गुरु याद रखिए प्रेशर भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? एरिया कम किया आपने, प्रेशर कम हुआ, वेलासिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये बातें याद रखिए, बार बार भूल जाते हैं अक्सर, इवन मैं भी कभी कभी बोलने में कन्फ्यूज आता हूँ कि एरिया कम करने से क्या होगा आपका, प्रेशर कम हो जाएगा और वेलासिटी बढ़ जाएगी, यानी प्रेशर घट जाएगा। आई बात समझ में? यही सेम आपका वेंचुरी में होता है। मान लो यहाँ नंबर्स ऑफ लिक्विड्स आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे 3 लीटर आ रहा है एक साथ में, लेकिन यहाँ पे आपका निकलने का जो रास्ता है वो केवल 1.5 लीटर है। अब बताना एरिया कम होने से क्या हुआ, फ्लूड की क्वांटिटी कम हो गई। अब जहाँ 3 लीटर जाना चाहिए वहाँ पे कितना जा रहा है, 1.5 लीटर जा रहा है, और ये 1.5 लीटर जाने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। और गुरु अब तक हमने जाना किसी लिक्विड को बॉयल करना है तो क्या करना है, उसको हीट दे के, यही तो हम करते हैं, किसी लिक्विड को क्या करना है, बॉयल करना है, उसका आप क्या करिए, हीटिंग दीजिए और वो बॉयल होने लगता था। लेकिन
अगर हम वही प्रेशर कम कर दें, क्या कर दें, प्रेशर कम कर दें, तो जो लिक्विड हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं उससे कम टेम्परेचर पे करेगा, क्योंकि हमने प्रेशर कम किया। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कम करने से अब लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। यही तो होता है प्रेशर कुकर में। आप क्या करते हो, जो भी बनाते हो, दाल चावल जो भी चीज़ें बनाते हो, वो आप खुले बर्तन में भी बना सकते हो, लेकिन क्या करते हो, आप प्रेशर कम कर देते हो। जो खाना आपका 2 घंटे में बनने वाला है, वो कहीं 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे में ही बन जाता है। एरी आपने क्या किया, प्रेशर कम किया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेशर कम करने से अब जो आपके दाल या चावल जो भी थे, उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई। अब जो 2 घंटे में पक रहे थे वही दाल चावल अब कितने देर में, 40 मिनट 50 मिनट में पक रहे हैं। मतलब प्रेशर कम करने की वजह से। गुरु, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, प्रेशर का भी यहाँ पे खेल है। तो यही हो रहा है, जब यहाँ पे एरिया कम कर रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है, तो यानी जो इसके अंदर लिक्विड है अब उबॉयल होगा। बॉयल होगा कि नहीं होगा, यानी एरिया कम किया, प्रेशर कम हुआ, वेलासिटी बढ़ी, प्रेशर कम होने की वजह से हमारा लिक्विड बॉयल किया। अब ये लिक्विड जो यहाँ था, यहाँ जो लिक्विड था, हो सकता है वो यहाँ पे वेपर बन गया हो, क्योंकि मैं इस ऊपर के फॉर्म में बना रहा हूँ, इसलिए ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि वेपर की टेंडेंसी ऊपर जाने की होती, इसलिए। अब ये वेपर हुआ, फिर सडनली आपने एरिया बढ़ा दिया, अब मतलब प्रेशर वहाँ बढ़ गया, जहाँ प्रेशर घट रहा था प्रेशर बढ़ा, अब ये तुरंत फिर वेपर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। कुछ ऐसा यहाँ भी होगा, यह वेपर जो अब यहाँ हुआ था, अब तुरंत यहाँ लिक्विड होगा, यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, और बीच में वेपर। अब याद रखो, ये वेपर से लिक्विड होना, पहले लिक्विड से वेपर होना, यहाँ पे कौन सा फॉर्म था, लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ लिक्विड, यहाँ वेपर, और फिर यहाँ लिक्विड। या इसी फिनामिना को बोलते हैं कैविटेशन। केवल लिक्विड से वेपर हो जाए वह कैविटेशन नहीं है, वो फ्लैशिंग सिस्टम है। हाँ, कहीं ना कहीं लिक्विड से वेपर बनेगा तभी वेपर से लिक्विड होगा, ये बात सही है, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन लिक्विड से केवल वेपर तक ही रहना यह फिनामिना कैविटेशन नहीं कहलाता है। आई बात समझ में, लिक्विड से वेपर होना और उस वेपर से दोबारा लिक्विड में कंडेंस होना, दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। इस फिनामिना को कैविटेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो अगर केवल लिक्विड से वेपर हो रहा है, मतलब वह केवल एक फ्लैशिंग सिस्टम हुआ, ना कि कैविटेशन हुआ, ठीक है, ओके। तो अगर अब आपके मन में एक बात तो क्लियर हो गया, कैविटेशन किसे कहते हैं, कैविटेशन एक ऐसा फिनामिना, अगर आपसे एक एज ए इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज कैविटेशन, तो आप क्या बोलोगे, कैविटेशन एक ऐसा फिनामिना है जो किसी भी सिस्टम में, वह सिस्टम ये हो सकता है, वो सिस्टम ये हो सकता है, वो सिस्टम आपका पंप भी हो सकता है, कैविटेशन मैं बता रहा हूँ। तो कैविटेशन एक ऐसा फिनामिना है जो किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम का प्रेशर इतना कम हो जाए कि उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए। यह लिक्विड जो है, इसके वेपर प्रेशर से कम हुआ तभी तो यह लिक्विड वेपर बना, समझेगा, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो गया तो यह लिक्विड क्या हुआ, वेपर बन गया। ये लिक्विड या ये लिक्विड या ये लिक्विड, तीनों में से कोई लिक्विड पकड़ सकते हैं। जिस सिस्टम में, अगर किसी सिस्टम का प्रेशर इतना कम हो जाए कि उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो वह लिक्विड क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म हो जाता है, और आगे चल के दोबारा एरिया एक्सपेंड हो या प्रेशर बढ़ जाए तो वह वेपर दोबारा लिक्विड में कंडेंस हो जाता है। इस फिनामिना को कैविटेशन कहते हैं। आई होप, आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है। क्लीन करने के लिए शायद मैंने बोर्ड कहाँ रख दिया, एक सेकेंड के लिए, ठीक है। मैं सोचता हूँ, ये मान के चलता हूँ, कैविटेशन के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कैविटेशन अब बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जान गए कैविटेशन क्या होता है, अब आप ये जान गए कैविटेशन हो गया, वह लिक्विड से वेपर हुआ, वेपर से दोबारा लिक्विड में कंडेंस होने के फिनामिना को कैविटेशन कहते हैं, ठीक है। कैविटेशन केवल पंप में नहीं देखने को मिलता, ये डाउट क्लियर हो गया, ओके। अब ये जो लिक्विड से वेपर हो रहा है और वेपर से लिक्विड हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, लिक्विड के वेपर प्रेशर से हमारा प्रेशर कम हो जा रहा है, लिक्विड के, ये जो हमारा लिक्विड है, हमें मान ले रहे हैं हमारा जो लिक्विड है और ये जो रिजर्वायर है जो भी है, जिसमें हमारा आपका वाटर लेवल भरा, जो भी है वाटर, हम ये लिक्विड मान के चलते हैं, वाटर है, चलिए H2O, ठीक है, ओके। हम ये मान, क्यों हो रहा है हमारा लिक्विड वेपर में क्यों हो रहा है, क्योंकि सक्शन प्रेशर इतना कम हो जा रहा है इस लिक्विड का कि यह लिक्विड वेपर फॉर्म में जाए, तो और यह वेपर जा रहा है किसमें, आई में, आई तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई से जैसे ही वो इंपेलर में जा रहा है, वहां प्रेशर बढ़ रहा है, बात समझिएगा। आपका जो डायक
कम कहाँ पे होता है, आई के पास होता है, लेकिन आई से जैसे ही लिक्विड आपका इंपेल में जाता है वहां उसका डाया बड़ा होता है, और जब डाया बड़ा होता है तो हमने क्या बोला, एरिया बढ़ रहा है यानी अब प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा मतलब वेलासिटी जहां पे बढ़ रही थी अब प्रेशर, वेलासिटी घटेगी और प्रेशर होगा, मतलब अब ये जो वेपर लिक्विड, जो लिक्विड वेपर में हुआ था अब ये वेपर दोबारा लिक्विड में होगा, और जैसे ही ये वेपर दोबारा लिक्विड में होता है, जितनी आसानी से आपको मैं बता रहा हूं, जितनी आसानी से आप ये समझ रहे हैं, इतनी आसानी से वेपर दोबारा लिक्विड में नहीं होता है, यह बहुत तेज गति से होता है, ये बिल्कुल सरफेस पर जाकर टकराता है, ये जो आपके वेपर है, ये जो बबल्स हैं इनके ऊपर लिक्विड जो भी होता है, ये जब ब्रेक होते हैं तो ये बहुत तेज गति से इस सरफेस पे आते हैं, इस सरफेस पे, ये सरफेस इंपेलर का सरफेस है, यही सरफेस, और इस सरफेस को डैमेज कर देते हैं। आई बात समझ में, मैं क्या बोला? तो अब क्या करें हम, कहीं ना कहीं ऐसा करें कि जो अब देखिए हम एक तो इंपेल, ये दो ऑप्शन है, या तो हम एक काम करें इंपेलर का ही एरिया कम करें, इंपेलर का डाया ही आई के पास रखें, तो फिर अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज्यादा नहीं आएगा, हम उसको छेड़खानी कर नहीं सकते, या तो ये लिक्विड जो वेपर फॉर्म में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेपर फॉर्म में जा रहा है यहां तक तो सही है, आई तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आई के पास से आगे इंपेलर में जाता है वहां डाया बढ़ जाता है, तो या तो हम एक काम करें ये वेपर ही वेपर भेजें, ये वेपर ही वेपर भेजें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हम लिक्विड को शक्कर, हमें लिक्विड चाहिए, आई बात समझ में, तो हम इंपेलर के साथ छेड़खानी कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, जो सक्शन का प्रेशर है, ये जो सक्शन लाइन है इसका जो प्रेशर है वो कम तो रखें, क्योंकि हमें लिक्विड को खींचना है ऊपर लेना है, लेकिन इतना मत कम करें कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, याद रखना इतना ना कम रखें कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, क्योंकि लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगा तो वो लिक्विड वेपर बनने लगेगा, यानी हमें इसी फिनोमिना को बोलते हैं NPSH, मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, आई बात समझ में, यही होता है आपका NPSH, यानी NPSH क्या होता है, NPSH आपको यह बताता है कि सक्शन का प्रेशर, सक्शन प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, लिक्विड ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, यही है आपका NPSH। ये तो हमने थ्योरेटिकली जानकारी दे दी कि NPSH क्या करता है, सक्शन प्रेशर और माइनस सक्शन प्रेशर का जो जो सक्शन लाइन का जो प्रेशर होता है और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताता है, आई बात समझ में। अब हम ये आप देखिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिएगा, मैं क्या बोला, NPSH हमें इस बात की जानकारी देता है और साथ ही साथ इस चीज का अवगत भी कराता है कि आप हमेशा, ये बातें तो बता दिया कि NPSH हमेशा याद रहे क्या हो, ज्यादा होना चाहिए किसका, सक्शन प्रेशर, सक्शन का जो प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, अगर सक्शन का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से भी कम हो गया, एक तो ऑलरेडी वैक्यूम है और इतना वैक्यूम बना दे कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से ही कम हो, और लिक्विड का वेपर पे मैंने क्या बताया, अगर इतना प्रेशर किसी लिक्विड का कम कर देंगे तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में बन जाएगा, आई बात, बबल्स बनने लगेंगे, जैसे प्रेशर कुकर की बात रियलाइज करिए, हम प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, इतना प्रेशर कम कर देते हैं कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से ही कम कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो हमारा दाल प्रेशर कुकर में बन जाता है, ऐसे इसमें क्या होगा, इतना प्रेशर कम कर देंगे कि यह लिक्विड ही हमारा वेपर फॉर्म में बनने लगेगा, तो हमें वही प्रेशर इतना कम नहीं करना है, और उस चीज का परमिशन कौन देता है, NPSH, इसीलिए इसको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब याद रखिए यहां पे एक टर्म आया पॉजिटिव, ये क्या होता है, यह कहता है कि सक्शन प्रेशर, यह बोलता है पॉजिटिव का मतलब समझिएगा, सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, अगर आप जब भी करिए वेपर प्रेशर जब भी करिए NPSH इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, यानी अगर सक्शन का प्रेशर 10 है तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है हम मान के चले वो हमेशा 10 से नीचे होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इवन 10 भी नहीं होना चाहिए, अगर
हम पहले इसको ले, 10 में से 6 गया, अब कितना 4 हो गया, यानी NPSH कितना आया, 4 आया, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब अभी भी इसका प्रेशर जो सक्शन का प्रेशर है लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। आई बात समझ में? अगर हम ये मान के चले 10 - 10 = 0, यानी NPSH हमारा आ गया 0, तो याद रखिए सक्शन लाइन का प्रेशर आपने पॉजिटिव किया है, केवल यहां तक ये पॉजिटिव है। अब डाया ये तो एरिया यहां ठीक है बड़ा है, लेकिन आप अंदर जब जाओगे आई आई का डाया और कम होता है और वहां पे वैक्यूम और कम रहता है, तो वहां पे कैविटेशन होने का चांस है। अगर आपका यहां पे 0 है, मतलब हो सकता है आपका डाया में जाके, जो आई में जाके वैक्यूम और कम हो, यानी ये आपका माइनस हो सकता है। यानी आप एक चीज समझ लो कि NPSH जो होता है वो सक्शन प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन, जो मैंने लिखा सक्शन प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये बातें हम चलते हैं एक मैथमेटिकल डेरिवेशन से क्लियर कर लेते हैं कि ये बात कैसे सही। हम ये मान के चलते हैं कि ये कोई रिजर्वायर है, इसमें हमने पानी भरा है, हमको यहां से यहां के कैविटेशन यहीं पे हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि कितना ज्यादा रखें, और कैसे मालूम चलेगा कि किसी का कितना सक्शन प्रेशर कितना रखे हुए, अब थ्योरेटिकली तो मालूम चल गया, अब कहीं ना कहीं इसके फार्मूले होते होंगे। जैसे कंपनियां जब पंप बैठाती हैं, इंडस्ट्री में जब पंप लगते हैं, जो प्रोजेक्ट वाले होते हैं, वो कैसे मालूम चलेगा कितने सक्शन प्रेशर रखना है, कितना वैक्यूम इसमें बनाए रखना है कि उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से ना ज्यादा हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उस लिक्विड का अपना प्रेशर मालूम करेंगे, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम चलेंगे, उस लाइन में सक्शन प्रेशर कितना ये मालूम करेंगे, ये सारी चीजें उनको पता होना चाहिए। तो वो कौन सा फार्मूला होता है जिससे वो पता करते हैं, चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, बहुत ही इजी है। अब देखिए जब ये क्या है, ये है आपका पंप, ठीक है, हमने मान लिया एक रिजर्वायर है, ये लिक्विड है, ये आपका इस यहां से इन होकर यहां जा रहा है, यहां कैविटेशन हो रहा है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां यह एक पॉइंट वन है जो हमने पहले ही मान रखा है, ठीक है, ओके, और इस लाइन से यह लिक्विड जा रहा है, ठीक है, और यहां तक जा रहा है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टू। आई बात समझ में? दो, एक पॉइंट से दो पॉइंट पे हमारा लिक्विड जा रहा है, और इस लाइन में ही हमको अपना क्या करना है, निगेटिव प्रेशर जो सक्शन का प्रेशर है उसको मेंटेन करना है। तो अब ये बताइए जब लिक्विड है, यानी यहां इसकी कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यही लिक्विड जब यहां जाएगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये लिक्विड जब इस बीच के रास्ते ट्रेवल करते जाएगा तो उसकी कुछ प्रेशर एनर्जी भी होगी। तो हमने क्या क्या बात किया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये तीनों एनर्जी आता है तो हमें याद आती है किसकी, डेनियल साहब की, जिन्होंने बर्नौली प्रमेय दिया, उनका नाम भी डेनियल बर्नौली ही था। तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या दिया, ये कुछ फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पे आपको एच जी के फॉर्म जेड के फॉर्म में दिखेगा, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज मत हो, वो हाइट की ही बात कर रहा है। आई बात समझ में? पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। और एक दूसरा फार्मूला भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी सेम यही है, और इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी अपान रो जी प्लस भी स्क्वायर अपान टू जी प्लस जेड इक्वल टू सी। ये जेड की जगह हम जैसा मैंने बताया एच लिख सकते हैं, जेड दोनों लिख सकते हैं, वो हाइट ही है, तो हम यहाँ भी एच कर दें तो चलेगा, क्योंकि यहाँ एच है तो हम समझाने में दिए। अब ये कहाँ से आया, ये भी यही है, बस हमने कुछ किया नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि आप ये कन्फ्यूज हो जाएं कि ये कहाँ से आया, केवल मल्टीपल इधर करा दिया हमने रोजी से, तो ये बातें वहीं पर क्लियर आ गई। ऐसे ये पहले इक्वेशन तो यही है, पी अपान रोजी प्लस बी स्क्वायर अपान टू जी प्लस एच इक्वल टू सी। एक मिनट रुके, जरा मैं फार्मूला मैच कर लूँ, पी अपान रोजी प्लस बी स्क्वायर अपान टू जी प्लस जेड इक्वल टू, यस सही है। अब ये अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से, देखिए फार्मूला केवल एक ही है, केवल इसमें क्या किया, ये रोजी जो ये फार्मूला है आपका, ये बेसिक वाला पी अपान रोजी, इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, केवल रोजी से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसी फार्मूले को लेके चलते हैं, पहले क्लीन कर देते हैं ताकि डेरिवेशन है, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, यहीं से हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है, और हम एक काम करते हैं, इसी फार्मूले को दोनों पॉइंट पर लगाते हैं, जो फार्मूला निकल के आएगा वो फार्मूला होता है
एनपीएसएच का, और वह बताता है कितना आप हेड रखिए, किसी भी लाइन में कितना वैक्यूम क्रिएट कराइए, नहीं तो उस ज्यादा आप क्रिएट करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब चूंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट पे हम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई बर्नौली थ्योरम पॉइंट वन एंड टू। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट पे हम आपके यहां लगाते हैं तो ये क्या होगा, पी वन अपान रो जी, अभी हम बस केवल पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, प्लस वी वन स्क्वायर अपान टू जी प्लस एच वन इजकल टू। अब चूंकि एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहां पे हमारी कहानी आ गई, यानी पी टू अपान रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपान टू जी प्लस एच टू। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक यह फ्लूड आपका रेस्ट कंडीशन में था, कोई फ्लूड का अपना मोशन नहीं था, कोई भी प्रकार का फ्लूड का मोशन नहीं था, तो वहां पे कोई इसकी हाइट भी नहीं थी, कोई लॉस भी नहीं था। लॉस कब होगा, जब ये लाइन से लिक्विड जाएगा तो कहीं ना कहीं दीवार के सरफेस से वो टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो उस दौरान क्या होगा, जब टकराएगा तो उसकी कुछ फ्रिक्शन लॉस होगी, कहीं ना कहीं इस लाइन में एनआरवी लगा होगा, कहीं ना कहीं इस लाइन में वाल्व लगा होगा, उससे भी टकराएगी, फिर आगे चल के जब बेंड होगा तो वहां भी टकराएगा, तो कुछ लॉस भी होगा। अब मैंने क्या बोला था कि ये प्रेशर एनर्जी हो गई काइनेटिक, अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट एच जेड एच टू, इसकी हाइट हमने कितनी मान रखी है एच एस, और हमने कहा कुछ लॉसेस भी होंगे वो हम मान लेते हैं एच एल डबल ओ एस। कोई भी लॉजिक है, कोई भी इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कि आपको ना समझ में आए, इतनी इजी भी है ये। अब देखिएगा, अब ये बताइए पी वन अपान रोजी, यानी इस लिक्विड पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, इस लिक्विड पे प्रेशर लग रहा है गुरु एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपके हमारे हर वातावरण पे इक्विपमेंट पे लग रहा है, इस पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम ये मान के चले पी वन अपान रोजी इजकल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये बताइए इस लिक्विड की वेलासिटी कितनी है, जीरो, अभी यह लिक्विड मोशन नहीं किया है, यानी ये भी जीरो। इस लिक्विड की अपनी कुछ हाइट है क्या, ये लिक्विड तो अपने ही हाइट पे है, कोई मोशन नहीं किया है, तो ये भी जीरो। ये P2 अपान रो जी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब यह लिक्विड क्या हो रहा है, प्रेशर एनर्जी में जा रहा है, इस लिक्विड की अपनी कुछ वेलासिटी भी होगी, क्योंकि अब यह लिक्विड ऊपर जा रहा है तो कुछ वेलासिटी होगी। अब ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ कुछ वेलासिटी, अब जब आप पंप बैठाओगे, जब पंप का इंस्टॉलेशन करोगे, तो ये तो आपको दिया रहेगा ना कि हमारा लिक्विड की वेलासिटी कितनी रखनी है, लिक्विड का अपना प्रेशर कितना, ये तो सब चीजें फाइंड आउट रहेगी, तो ये आपको वहां लिख देना है। अब एच एस ये आपका क्या है, ये आपका एच एस हो गया, प्रेशर एनर्जी प्लस प्लस एच एस प्लस एच लॉस, ये आपका हाइट हो गया एच एस, और ये आपकी फ्रिक्शन कुछ लॉस। अब अगर हम यहां से देखें तो क्या निकल के आया, पी वन अपान रोजी, ये एटमॉस्फेरिक है, ये आपका निकल के आया पी टू अपान रोजी प्लस वी टू स्क्वायर अपान टू जी प्लस एच एस प्लस एच लॉस, ये निकल के आया। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड करो, ये क्या है, लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमें क्या है, इस सक्शन लाइन का प्रेशर मेंटेन करना है कि इतना ना हो कि लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए। तो लिक्विड का जो सक्शन लाइन का प्रेशर क्या है, P2, यही तो है ना प्रेशर एनर्जी, मैंने बोला था शुरू में ही, ये आपका प्रेशर एनर्जी हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये क्या देखा, हमें P2 अपान रो जी ही निकालना है, हमें यही पता करना है कि इस लाइन का प्रेशर कितना हो, यानी P2 अपान रो जी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 अपान रो जी अगर हम ये रखें तो क्या होगा, P1 अपान रो जी एटमॉस्फेरिक, अब ये इधर आ गया माइनस वी टू स्क्वायर अपान टू जी माइनस एच एस माइनस एच लॉस, ये कुछ निकला। आप थोड़ा सा और बस दो सेकेंड, हमें दो मिनट का टाइम दीजिए, मतलब दो मिनट का टाइम मतलब ये दीजिए, अपने दिमाग को दो मिनट के लिए और खोल के रखे रखिए। आपने क्या देखा कि जो सक्शन लाइन का प्रेशर है वो इससे तो कम होगा, याद रखिए इस लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगा है इससे कम होगा, यानी अगर ये कहीं ना कहीं आपका इसका प्रेशर अगर याद रखिए तो हम ये मान के चलते हैं 200 है, ठीक है माइनस में, तो इसको अपना 300 तो रखना पड़ेगा, माइनस में बात करें माइनस 200 में जी तो ये माइनस 300 तो रहेगा, तभी ये कहीं ना कहीं खींच पाएगा उसको। लेकिन याद रखिए, अब हम मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं ये 10 है, अभी एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, सक्शन लाइन का प्रेशर कितना है, ये 10 है, ये चूंकि निगेटिव में रहता है लेकिन मैं पॉजिटिव में आपको दिखा रहा हूँ, ये 10 है, और ये भी चलिए मान लीजिए हम 10 ही है,
ठीक है, जो कि आपका वहां दिया रहेगा उस डाटा में। तो आप ये क्या देख रहे हो, 10, और इस लिक्विड का अपना कुछ वेलासिटी ये माइनस हो रहा है, इसी में से कुछ एटमॉस्फेरिक, इस फ्लूड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ही कुछ कम हो रहा है, हम ये मान ले रहे हैं 2 है, तो कितना आया, 8 आया। तो आपने क्या देखा, सक्शन लाइन का जो प्रेशर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के यही तो है आपका, लिक्विड का वेपर प्रेशर वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से ज्यादा है। आई कॉन्सेप्ट के यही बातें मैं आपको थ्योरेटिकल समझाया था। अब थोड़ा और क्लीन करके एक चीज और आपको बता दूं, कुछ ज्यादा इसमें बड़ी बातें नहीं। हाँ, अगली वीडियो जो होगी जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीएसएच में अगर डीपली डिस्कस कोई करेगा कि एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या होता है, तो देखो यही जो आपका एनपीएसएच मैंने बताया यही आपका आगे चल के एनपीएसएच अवेलेबल कराएगा, और एनपीएसएच रिक्वायर्ड जो होगा, जो एनपीएसएच रिक्वायर्ड वो वैल्यू होती है जो एक मैन्युफैक्चरर जो पंप बनाता है वो हमें बना के देता है। इस पर हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अभी हमारा एरिया ऑफ कंसर्न वो नहीं, आज हमारा केवल एनपीएसएच से हम आपको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि एनपीएसएच आपका जो है, एनपीएसएच क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ग्रेटर देन लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आपने ये देखा कि एनपीएसएच जो है यानी पीएस, हमें मान लें सक्शन प्रेशर यानी पीएस, ये है आपका पीएस सक्शन का प्रेशर यानी पी टू अपॉन रो जी इज ग्रेटर देन किससे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये निकल के आया पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला यहाँ पे निकल के आया क्या, वो ये निकल के आया कि एनपीएसएच पीएस इज ग्रेटर देन पीवी कर रहे हैं, लेकिन एक बात और याद रहे, अब जो जीरो वाली बात आई थी, अगर वो आपका जीरो के बराबर भी हो जाता है तो भी आप ये नहीं कह सकते कि वह उसमें वैक्यूम, वो लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि आई में जाके वो वैक्यूम ज्यादा क्रिएट करेगा। आई बात समझ में, तो ये दो चीजें निकल के यहाँ पे आई कि नहीं आई, तो यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनपीएसएच क्या होता है। एनपीएसएच जो होता है वो एक प्रकार का आपको इस चीज की जानकारी देता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रखिए, अगर हमें आप पॉजिटिव रखेंगे तो हम लिक्विड को वेपर फॉर्म में नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, एनपीएसएच के थ्रू हम किसी भी सक्शन लाइन के प्रेशर की जानकारी होती है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तीसरी बात, एनपीएसएच के थ्रू हमें यह मालूम चलता है कि कोई भी लिक्विड कब वेपर फॉर्म में हो सकता है, और आगे डिस्कस करेंगे एनपीएसएच अवेलेबल, एनपीएसएच रिक्वायर्ड। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अगले वीडियो बनाने की परमिशन, और हम जुड़ेंगे और उसमें आपको डीपली डिस्कस कराएंगे एनपीएसएच अवेलेबल क्या होता है, एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या होता है। और हमें ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, अगर फिर भी कहीं डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लिखिए, साथ में साथ आपको नोट्स दिया जाएगा उससे आप डाउट अपने क्लियर किए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस।